हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मजे से होंगे। तो आज ये इतवार है, कौन सा इतवार है? अगहन का, बैसाख का ये इतवार है। बिहार में ये फेमस है, ये लोग बहुत यहाँ ही बहुत ही श्रद्धा के साथ करते हैं। लेडीज जो छठ करती है वो भी करते हैं और जो ना करते हैं वो भी करते हैं। तो आज ये इतवार की हुई है दीदी, हम इनके साथ लगे हुए हैं हेल्प में, हम तो किए नहीं हैं। तो हम सोचे कि अब इनके साथ क्यों ना लगे रहे, थोड़ा सा हम भी पुण्य कमा लें। तो अभी पैर रंग रहे हैं, इसके बाद ये नीचे उतरेंगी। छोटा सा गंगा मैया भी आप लोग को हम लोग नीचे दिखाएंगे। मम्मी क्या है वो? ये गंगा जल है, इसी का भी हम लोग गंगा जल डालेंगे, क्योंकि गंगा जल से तो सब चीज पाक हो जाता है। गंगा जल तो पवित्र होता है, कहीं भी अपना कुछ भी डालिए सब चीज में पाक रहता है। इसको हटा देते हैं, इसी में दीदी रख देंगे थोड़ी होके। हम लोग अभी पे आ गए हैं और हमारा छोटा सा गंगा मैया देखिए, देखिए हमारे गंगा मैया को देखिए। अच्छा, गंगा जल और इसी में दीदी अरग देंगे खड़ी होकर के। ऐसे तो पहले यहाँ पर हम लोग पानी भर के करते थे, लेकिन अब दीदी यहाँ टब में अरग देंगी, टब में अरग देंगी। यहाँ टब है और यही छोटी सी मेरी गंगा मैया है, कुइया है, इसी को हम लोग गंगा मैया मान करके यही से पूजा पाठ करते हैं। गो नहा करके आ गई हैं दीदी, अब पूजा का स्टार्टिंग कर रही हैं। अब ये लोटा में चीनी डाली हुई है, अपना इसमें पानी डाल करके शरबत बनाएंगी। खुल देना। अच्छा, तो आप खुलवा दीजिए। क्या कहा, पूछना होगा क्या चीज कर रही है दीदी? इतवार कर रहे हैं, इतवार कर रही है। हाँ, घर में उठाए हैं, बैसाख में बैठाए हैं। अच्छा, ये नियम है कि कहने का काते ये अगहन में उठाए हैं, बैसाख में बैठा रहे हैं। काची कर रही है दीदी? इतवार किए हैं, अगहन में उठाए हैं, बैसाख में बैठा। अगहन उठाए हैं, बैसाख में बैठा रहे हैं। फट करो, पलट काट के करो।